हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे आरपीएफ फाइनेंशियली कांस्टेबल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा एक्सपीरियंस वीडियो है 50, यानी कि आज हमारी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है आपके लिए अनुभव वीडियो लाते लाते। जी हाँ दोस्तों, हमने आपके लिए वीडियो लाने के लिए पश्चिम बंगाल अपने एक स्टूडेंट के साथ गए। वहाँ पर जाके आसनसोल और हावड़ा के जो सेंटर्स हैं, वहाँ पर हमने लाइव जो है देखा किस प्रकार बच्चों को जो है वहाँ पर ट्रीटमेंट दी जाती है, कैसे उनके साथ जो है बिहेवियर होता है कांस्टेबल का, कैसे कैसे उनके साथ काम होते हैं। एग्ज़ाम हॉल के अंदर तो हमें नहीं जाने देते, लेकिन हमने बाहर से सारे माहौल्स को देखा, वहाँ के कांस्टेबल से बात भी की। उसके बाद जो है सारे एक्सपीरियंस वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दोस्तों। और हमारे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमें पर्सनली मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं, और उन्हीं एक्सपीरियंस को हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको कुछ सीखने को मिले, ताकि आप भी इस एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई नया सरकारी फॉर्म आता है तो हम उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले स्मार्ट नौकरी चैनल पे दिखाते हैं। और साथ ही दोस्तों, जब भी कोई रिजल्ट आता है या फिर कोई स्टडी मटेरियल आपको चाहिए होता है तो सब कुछ हम आपको स्मार्ट न्यूज चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको साथ में कैरी करना होगा जब आप ट्रेड टेस्ट के लिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड टेस्ट के जाने से पहले आपको सबसे पहला चीज़ है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बिना तो जानते ही होंगे आपको कि इसके बिना आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसके दो कॉपी अपने पास रखिएगा ज़रूर, एक कॉपी इनको देने के लिए और एक कॉपी हमेशा प्लान बी के तहत अपने बैग में या फिर अपने साथ सेफ रखिए, क्योंकि कभी कभी एडमिट कार्ड ऐसा होता है समटाइम्स फट गया या फिर कुछ कारणवश कहीं घूम गया, तो आपके पास एक बैकअप में एडमिट कार्ड होना चाहिए। जिस प्लेस पर आप जा रहे हैं वहाँ पर सडनली आपको जेरोक्स मिलना, प्रिंटआउट मिलना पॉसिबल नहीं होता। तो नंबर दो पे बात करें तो आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में अब आपको क्या लेना होगा ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन आईडी प्रूफ में क्या नहीं लेना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले पैन कार्ड आपका नहीं चलेगा। आप बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आपके पास पैन कार्ड है और आप उसके भरोसे जा रहे हैं, जी नहीं, पैन कार्ड बिल्कुल नहीं चलता। आपको चलेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड, आपका DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस या वोटिंग कार्ड, इनमें से कोई भी एक चीज़ हो, यानी तीनों में से, तो आपका जो है आईडी प्रूफ में काउंट कर लिया जाएगा, अदरवाइज आपको निकाल दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये कहकर कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। नंबर तीन पे आ जाते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, जिसमें जाति में आएगा SC ST OBC, तो ये सारी जो कैटेगरी हैं इनके आपके कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर EWS वाले हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। उसमें डेट देख लीजिए, नॉन क्रिमिनल का कितनी तारीख को समाप्त हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करके उसके बाद उसकी एक ओरिजिनल कॉपी और एक जेरोक्स कॉपी दोनों अपने साथ कैरी रखना, क्योंकि वहाँ पर आपको चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास हो जाएंगी तो दोस्तों निश्चित होंगे आप जाइए, और साथ में दो पासपोर्ट टाइप फ़ोटो भी रख लीजिएगा दोस्तों। फ़ोटो आपका होना बहुत अनिवार्य है, वो भी कलर फ़ोटो रखना, वो भी रिसेंट की, वो आपको मैच करेंगे आपके एडमिट कार्ड से। आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपके एडमिट कार्ड में है वही डेट ऑफ बर्थ आपका जो है आईडी प्रूफ में होना चाहिए, ये बात का भी ध्यान रखिएगा। को दो तीन स्टूडेंट ऐसे थे जिनके ऐसे कमेंट्स आए कि सर हमारा बाय मिस्टेक हुआ था, लेकिन सर को समझने आना चाहिए और हमें बिना कोई एक्सक्यूज़ के निकाल दिए। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर आपको कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाता, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब कुछ जो है पहले से ही प्रिपेयर होकर जाइए। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं सेंटर की। तो सेंटर पर दोस्तों आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर लगभग 400 बच्चे ऐसे हैं जो रोज़ आ रहे हैं प्रतिदिन। जी हाँ दोस्तों, जिनका टेस्ट है वो 400 के बच्चे आसपास जो है आते हैं। काउंट करना मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि जो जल्दी आता है वो अंदर जाके बैठने लगता है लाइन से, और जो बाहर रहते हैं जितनी भीड़ जमा होती है उन सबको कैसे हम देखते हैं। तो जैसा अनुमान लगाया जाता है कि 400 बच्चे जो है एवरी डे आ रहे हैं ट्रेड टेस्ट देने। इतना लोग फेल हो रहे हैं, 400 में से सिर्फ 10 से 12 लोग फेल होते मतलब पास होते हैं, और 380 के आसपास बच्चे पर डे फेल हो रहे हैं। उसके बावजूद दोस्तों इतने बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के इतना अच्छा लगता है कि हाँ वाकई कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस देखते हैं, जो वाकई तैयारी करते हैं, जो वीडियो भले ना देखें लेकिन उनके अंदर ये स्पिरिट है कि वो नौकरी के लिए इतनी दूर तक जो है सफ़र करके आते हैं। तो दोस्तों ये तो चीज़ें हो गई आपकी स्टूडेंट्स की संख्या के ऊपर। अब बात करते हैं अंदर। तो अंदर दोस्तों आपको एक हॉल जैसा रहेगा, वहाँ पर आपको इस प्रकार बैठाया जाएगा और आपको सबको बैच वाइज नाम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या किया जाएगा, 400 लोगों को तो बांटा नहीं जाएगा एक साथ, इसलिए क्या किया जाता है इनको एक बैच में डिवाइड कर दिया जाता है। ये बैच होती है आपकी 20 20 20 20 20, तो अब सबको एक एक नाम दिया जाएगा। बैच वन में 20, तो अपने जितने 20 बच्चे होंगे वो अपना याद रखेंगे कि हमारा बैच वन है। बैच टू में भी याद रखेंगे बच्चे, जितने भी 20 बच्चे हैं कोई किसी के बैच में नहीं जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा। इस प्रकार एक लाइन से आपको बैठना होगा, फिर आपको बुलाया जाएगा बैच वन, और बैच वन अंदर जाएगी और वहाँ पर एक हॉल होगा, वहाँ पर एक टेबल होगा, टेबल पर दो लोगों में से डिवाइड होगा, ये वन हो गया, ये
टू हो गया। इसी प्रकार सेम यहाँ पर भी 1 2 1 2, और आपके पीछे जो है एक कांस्टेबल खड़ा रहेगा जो आप पे निगरानी रखेगा। अब आपको दिया जाएगा सबसे पहली चीज़ एक कटोरी आटा। एक कटोरी आटे का यहाँ पे अर्थ है 100 ग्राम के आसपास में। जी हाँ दोस्तों, 100 ग्राम के आसपास में एक आटा दिया जाएगा। अब उसको आपको गूंथना है। गूंथने के बाद उसको अच्छी तरह से गूंथ के एक रोटी बनानी है। अब आप पे डिपेंड करता है आप आटे को कितना गूंथते हैं। 2 मिनट के लगभग समय दिया जाएगा, और कभी कभी जो है समय की कोई पाबंदी नहीं होती। तो आप ये देखिए कि आप कितना अच्छे से कितने फास्ट जो है आटे को गूंथ सकते हैं, उसकी एक अच्छी रोटी बनाइए। रोटी बनाने के समय आपको क्या करना है, रोटी को अच्छी तरह से गोल बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो रोटी गोल होनी चाहिए, दूसरी ये होनी चाहिए कि पतली होनी चाहिए, मोटी नहीं बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि रोटियां जो है हमेशा पतली होती है। अब पतली रोटी होने के बाद रोटी का जो ये हिस्सा होता है साइड सा, जो सर्कल जिसे हम कहते हैं, ये सर्कल का जो हिस्सा है, तो ये जो है आपका ये एकदम पतला होना चाहिए। पतला और साथ साथ आपका पका होना चाहिए। कच्ची क्या होता है, रोटी जो है बीच में ज़्यादा तावे पे जो है जहाँ पे आँच ज़्यादा लगती है वो हिस्सा पक जाता है, और साइड साइड के हिस्से कच्चे होते हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको रोटी को अच्छी तरह से पकाना है। आपका जो कॉन्स्टेबल आपका एग्जामिनर जो होगा वो रोटी को बीच में से फाड़ता है, और वो चेक करता है कौन सा हिस्सा पका है कौन सा नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको स्पेशली ध्यान देनी होगी। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जब आप आटा गूंथते हैं तो आपका जो बाहर निकलता है जो आटे का जो पार्ट्स होता है, जैसे जिसे हम बेसन कहते हैं, पैथन कहते हैं जिसे, तो पैथन जो निकलता है साइड से थाली के बाहर, उसे आप तुरंत साफ़ कर लीजिए। आपका जो कांस्टेबल आपके पीछे है वो क्या करता है, आपको सीधा माइनस मार्क देना स्टार्ट कर देता है कि इन्होंने सफाई पे ध्यान नहीं दिया, आटा गिरा हुआ है, चारों तरफ गिरा है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहे। अब नंबर 2 पे बात करें तो आपको दिया जाएगा सलाद काटने के लिए। सलाद काटते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो उसे धो लीजिए। धोने के बाद उसको अच्छी तरह से काटिए, उसके जो टुकड़े हैं जो वेस्टेज है उनको तुरंत डस्टबिन में डालिए। ऐसा नहीं कि आपने किचन पे ही छोड़ दिया है और आपने काट के बस उनको रिप्रेजेंट कर दिया, बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों। आपको सबसे पहले ये सब चीज़ें करनी होगी। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको जो है इसको रिप्रेजेंट करना होगा। कांस्टेबल आपको देखेगा कि किस प्रकार आपने काटा है, पतला पतला काटिएगा, ज़्यादा मोटा नहीं, और जितना अच्छा आप सजाएंगे प्लेट में उतना आपके लिए बेहतर है। क्योंकि ज़्यादातर जो मार्क्स मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही बच्चे कह रहे हैं, जो आज का भी बच्चा है था स्टूडेंट, उन्होंने भी यही हमसे बताया कि सर हम जितने अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए है। नंबर 3 पे बात करें तो वहाँ पे सब्जी बनाने के लिए दिया जाता है। सब्जी में आपको देखिए लौकी की बनाने दी जा सकती है, बैंगन की दी जा सकती है, पालक की दी जा सकती है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। कोई ऐसा लिखित में नहीं दिया गया कि सबको बैंगन ही बनाना है, सबको लौकी ही बनाना है। जो सब्जी अवेलेबल होगी वो सब्जी आपको दी जाएगी। टारगेट में आपका टास्क रहेगा, आपको टास्क पूरा करना होगा, अच्छे से बनाइए दोस्तों। आपको मसालों के बारे में जानकारी ली जाएगी, ओरली आपसे पूछते हैं क्या जानते हैं आप पश्चिम बंगाल के बारे में, क्या जानते हैं आप आसनसोल के बारे में, यहाँ की फेवरेट डिश क्या है, इसमें कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सी दाल मिलेगी, कौन सी सब्जी मिलेगी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक और शेयर कर दूं कि जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे दाल जब बनाने को दी जाएगी, जी हाँ दोस्तों, तो दाल बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपने दाल को अच्छी तरह से धोया है, कुकर अच्छी तरह से साफ़ है, ये सारी चीज़ें जो हैं, दाल ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए। आप लोग क्या करते हैं कभी कभी ज़्यादा पका देते हैं, 15 मिनट का समय दिया गया है तो ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि दाल जल्दी पक जाएगी, तो आप इसको अच्छी तरह से उसको समय से पहले ही उतार लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक्सपीरियंस के ही ऊपर ही जो है निर्भर करती हैं। आपका वाइवा जब हो जाएगा, जब सब कुछ आपका कम्प्लीट हो जाएगा, जब आप दाल के बारे में, सब्जी के बारे में, मसालों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे लेंगे, उसके बाद जो है आपको बताया जाएगा कि आप बाहर रुकिए, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब लेके आपको कई पेपर पे साइन करवाएंगे, यानी कि आपका सेलेक्ट कर लिया गया, और जिनको कहा गया कि आप बाहर रुकिए आपको बताया जाएगा, उनका जो है सिलेक्शन नहीं होता। तो दोस्तों आज इस प्रकार कुछ अनुभव था जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको सीखने को कुछ मिला होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो RPF एनएसआई कांस्टेबल का जो है भर्ती में पार्ट लिए हैं, ताकि उनके पास भी अपडेट पहुँच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।